कहने का मतलब ये है कि मेरे गुरु ने जो ज्ञान दिया से मैं भी अपने मन में उसी ज्ञान में रहूंगी। जो उपदेश जो संदेश दिया है उसी के अनुसार मैं भी चलूंगी। करणीकरण का तरीका मेरा भी वही होगा जो गुरु ने बताया। और जब एक ही रंग में जब हो जाएंगे, जब तक इंसान एक रंग में नहीं होता ना, मन में मन नहीं मिलता, इतना मित्रता को नहीं हो। गुरु और शिष्य का नाता नाम तो नहीं जुड़ता, गुरु और शिष्य का नाता प्रेम से जुड़ता है। स्त्री और मर्द का नाता कच्चे धागे से को नहीं जुड़ता, मन से जुड़ता है। वो तो मिला दिए लेकिन मन तो उन्हें मिलाना पड़ा है, बाद में उनका मन नहीं मिलता, शादी टूट जाती है, नहीं रहते साथ। गुरु शिष्य का नाता पति पत्नी जैसे नाता होता है। एक दूसरे का विश्वास अगर उस पर नहीं है, शिष्य का गुरु पर विश्वास नहीं तो शिष्य को नहीं रहना चाहिए, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। ये विश्वास का खेल है। और जो अपने गुरु में परमात्म रूप देखेगा, समझो कि उसका विश्वास दृढ़ है। और जो भी वो संकल्प मन में लेगा, जो भी वो सोचेगा, जो भी कार्य करेगा, उसके पूरे होंगे। मैं किसी शास्त्र की बात को नहीं बताऊं, लेकिन मेरी बात शास्त्र के अनुसार मिलेगी, क्योंकि मैंने गुरु का संग कराया, गुरु की सेवा करी, गुरु के वचन की पालना करी, जो गुरु ने बताया उस रास्ते पर चला। और गुरु की ताकत जिसके पास होती है ना, उस ताकत का कोई मुकाबला नहीं। इसलिए कही कि दोनों उधर रंग में हो जाए, फिर कोई धब्बा और दाग को नहीं रहे, फिर फर्क नहीं रहता उनमें, कोई भी कोई दराड नहीं रहती उनके बीच में, एक हो जाए वो। सूरत और शब्द जो एक जब तक नहीं होते तब तक काम नहीं बनता, गुरु और शिष्य एक नहीं होते तब तक काम नहीं बनता, स्त्री और पुरुष जब तक नहीं मिलते तब तक संतान पैदा नहीं होती। इसलिए गुरु और शिष्य का भी मिलन उसी प्रकार है। अगर ज्ञान रूपी बच्चा पैदा करना है तो उनका मेल भी प्रेम रूपी संबंध से जुड़ना चाहिए। प्रेम किसको कहते हैं? दिल के मिलने को प्रेम कहते हैं, विचार के मिलने को प्रेम कहते हैं। दोनों की एक जैसी सोच, एक जैसा विचार, एक जैसा ख्याल, एक ही उद्देश्य, एक ही लगन, एक ही काम। इसलिए कहे कि दोनों हो जाएंगे एक रंग में, फिर कोई धब्बा रहे ना दाग। क्यों? गुरु ने कोई कसर नहीं छोड़ रहे कि कहते हैं इतर गुलाल ज्ञान की घोड़ी, कि गुरु क्या चीज देता है, सतगुरु फेंक भर रहे जोड़ी। सतगुरु जो भी हमें ज्ञान रूपी प्रसाद बांटता है वो जोड़ी भर भर के बांटता है, फेंकता नहीं, बांटता है, देता है। वो ज्ञान बांटता है, उसे ज्ञान को लो स्वीकार कर। फिर कहते सुनियो है मेरे संग की टोड़ी हमारी कौन सी, ये टोड़ी कौन है, संग की टोड़ी है हमारी इच्छा, मन की, मन की इच्छा, आशा, तृष्णा, ममता, ये है। उन्हें समझाओ कि मेरी संग की टोड़ी हो, सहेलियो सुन लो, तुम उस रंग में रंग जाओगी ना। दोनों सुनियो है मेरे संग की टोड़ी, ओण का लगा दो आग के, जो सुस्ती करते हो तुम जागते नहीं, चेत नहीं करते कि किस काम के लिए आए, इधर कर क्या रहे हैं, आए थे किस काम को, और कर बैठे के बाद क्या मुख ले मिली है, राम से खाली दोनों हाथ। तो सोमण का लगा दो आगे, कुछ नफा मिले जागरण में। जागरण में खाम खा की बात के लिए जागरण नहीं, जागते तो चोर चोर के टर भी, लेकिन उनकी प्रवृत्ति, उनकी नीति, उनका ख्याल चोरी में है, बदनीति में है। तुम उस मालिक की याद में जागो। कहते हैं नफा उसी चीज में मिलेगा, जब सोने को तुम बिसरा दोगे और जाग जाओगे, इसका मतलब चेत जाओगे, अज्ञान को भुला के ज्ञान
के क्षेत्र में कदम रखोगे तो तुम्हारे सारे के सारे अज्ञान के पर्दे हटते चले जाएंगे। फिर कहा कि जो हमारे अनहद नाद गगन में बाजे, अनहद नाद हमारे अंतर में अनेक प्रकार के बाहर के रंग रागों में इंद्रियों को लगाते हैं, उससे अच्छा उनमें लगाओ कि अंदर में सब की सब धुनें अंदर में हैं, सब अंदर से प्रकट हुई हैं, वो शब्द धुन है। उन धुनों का राग अगर सुन लोगे तुम तो उनको सुनने के बाद में ऐसा बैराग लग जाएगा कि तुम उस बैराग में हमेशा तुम्हारा मन चाहेगा कि वो बैराग वो हमें धुन वो हमें बाजे बार बार सुने वो शब्द। और आगे कहे कि फागुन के दिन सुख से बीतते, फागुन इंसान का जीवन है, फागुन मास इंसान का जीवन, फागुन के दिन सुख से बीतते हम हारे वाले सतगुरु जीते। यहाँ हारने का मतलब यह है कि दुनियादारी की जिन बातों की ओर हम जीतने के लिए चले थे उस मैदान में सतगुरु ने हमें काट के सतगुरु का विचार जीता और हमारा दुनियादारी का विचार टूट गया, इसलिए सतगुरु जीते। हम हारे हमारे सतगुरु जीते कहते हैं, गंगादास कहता है हम निश्चित हो गए क्योंकि उसके हारने में हमारा कल्याण हो गया। क्योंकि फागुन मास में जो फाग खेले हैं कितना आनंद आता है हर्ष उल्लास से, तो रूह जब इस काल देश से आज़ाद और बरी हो जाती है सतगुरु आज़ाद करा देता है तो कहता है कि फागुन जैसा खेल खेल के और अपने घर को जाती है। गंगादास भय नचीते हम खेल चले हैं फागरी क्या कर हंस कागर में, हम काग नहीं हैं, काग तो यहाँ विश्व में छांच मारने वाले जीव हैं जो काल की चीज़ों में मन कर लगा दिया, निंदा में चुगली में बुराई में ठग में भ्रष्टाचार में अत्याचार में जुल्म में कपट में बेईमानी में हेरा फेरियों में, वो कौन है काग, काग मिलती है। कहते हैं कि हम हंस हैं इन कागों में हमारा क्या काम, हम छोड़ चले और अपना काम कर चले। सबको आशीर्वाद।